भारतीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि स्वर्ण वर्ग के गरीब और नौकरियों व आरक्षण की मांग करते हैं तो इसमें कहीं कुछ बुराई नहीं है। विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए ये जरूरी है कि उनके भी लोगों को आरक्षण दी। कल इस धरती पर जितने इंसान है, जितनी जातियां है, सबको आरक्षण मांगने का अधिकार है और मेरी ख्याल है कि संविधान ने जिस व्यक्ति को आरक्षण देने की इजाजत दी है, संविधान को अध्ययन करके इस पर सरकार को पहल करना चाहिए। और अभी तक जितने लोगों की आरक्षण मिला है, ये किसी के मर्जी से नहीं मिला है, बल्कि बाबा साहब ने अपने कलम से संविधान में उसकी जगह बनाई है। यदि स्वर्ण जाति के भी गरीब इंसान आरक्षण की मांग करते हैं तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूं। सरकार को और खासतौर से संविधान में ऐसी यदि बात हो तो उसमें संशोधन करके कुछ रास्ते निकालना चाहिए। हमारा दल का और हमारा मांग बिहार में लगातार क्राइम सासाराम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय को घेर लिया तथा पूरे नगर में जुलूस निकाल कर राफेल डील के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष संतोष मिश्रा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। गांधी स्मारक से कांग्रेस कार्यकर्ता जुलूस के सकल में निकल कर पूरे नगर का भ्रमण किया, अंत में कलेक्टोरेट में आकर जमकर प्रदर्शन किया। और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारे लगाए। कार्यकर्ताओं के हाथों में राफेल विमान की तस्वीर के साथ साथ भारतीय झंडा। चूंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, अप्रैल 2015 में पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार का द्वारा किए गए राफेल डील को रद्द करते हुए, 126 विमानों के राफेल डील को रद्द करते हुए प्रधानमंत्री ने सारे नियमों को ताक पर रखकर, सारे नियम कानून को ताक पर रखकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से बिना अनुमति लिए हुए राफेल सौदा, 36 विमानों का राफेल सौदा किया। और इस सौदा में यह सौदा 41,000 करोड़ रुपए ज़्यादा का सौदा किया गया पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के मुकाबले। तो ये 41,000 करोड़ रुपये जो देश के खजाने से लुटाया गया है, ये किसके लिए लुटाया गया है, हमारा ये प्रश्न है। अपने किन पूंजीपति मित्रों को, खास तौर से रिलायंस इंफ्रा के अनिल अंबानी, जिनको कि 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है राफेल डील में और 1,00,000 करोड़ रुपए का उनको लाइफ टाइम सर्किल कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, लाइफ टाइम। तो इस प्रकार से 1,30,000 करोड़ रुपए का यह घोटाला अभी नजर आ रहा है। और 41 और देश की सुरक्षा के साथ जहां चीन और पाकिस्तान हमारे सेना पर तो तरफा वार करने के लिए तैयार।